मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज, डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी पर तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले के एक व्याख्यान में मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक्स और अवसादी चट्टानों के बारे में जानकारी बताई थी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रॉक्स तीन प्रकार की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, जिसे इस स्लाइड में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। इग्नियस रॉक्स ये मैग्मा और लावा के कंसोलिडेशन और कूलिंग से बनती है। मैग्मा कैन फॉर्म व्हेन रॉक इज हीटेड, व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड एंड व्हेन रॉक चेंजेज कंपोजिशन। मैग्मा जो है उसको कूलिंग और कंसोलिडेशन से, जैसे आपको अभी बताया कि इग्नियस रॉक्स बनती है, तो मैग्मा फ्रीजेस बिटवीन 700 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्मा इज ए मिक्सर ऑफ मैनी मिनरल्स। ये जब पृथ्वी की सतह के नीचे होता है मोल्टन स्टेट में जब, तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जब ये किसी कंडुइट या चैनल के माध्यम से पृथ्वी की सरफेस पर आ जाता है वोल्केनिक एक्टिविटी के मार्फत, तब इसे हम लावा बोलते हैं। और मैग्मा और लावा दोनों के कूलिंग और कंसोलिडेशन से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स, ये जो इग्नियस वर्ड है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका कि मीनिंग होता है फायर। इसे हम मैग्मेटिक रॉक्स भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। द मैग्मा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम पार्शियल मेल्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स इन आइदर ए मेंटल और क्रस्ट। टिपिकली द मेल्टिंग इज कॉज बाई वन और मोर ऑफ थ्री प्रोसेसेस, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ गया तो, और ए डिक्रीज इन प्रेशर, दबाव कम हो गया तो, या और ए चेंज इन कंपोजिशन। सॉलिडिफिकेशन इन टू रॉक अकर्स आइदर बिलो द सरफेस एज इंट्रूसिव रॉक्स और ऑन द सरफेस एज एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स के कब बनती है, जब पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा कंसोलिडेट और कूलिंग के द्वारा रॉक में तब्दील होता है। जबकि एक्सट्रूसिव रॉक कब बनेगी, जब लावा सरफेस पर आ जाएगा और उसके कूलिंग और कंसोलिडेशन से रॉक बनेगी, तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होगी। इग्नियस रॉक्स में फॉर्म विद क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन रॉक्स और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म नेचुरल ग्लासेस। अगर क्रिस्टलाइजेशन के साथ भी बन सकती है और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन भी बनती है। इग्नियस रॉक्स अकर इन ए वाइड रेंज ऑफ जियोलॉजिकल सेटिंग्स। पृथ्वी के ऊपर जैसे वो सील्ड एरियाज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ओरोजेंस हैं, बेसिन्स हैं, लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस हैं, एक्सटेंडेड क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, तो ये वो प्लेसेस या लैंडफॉर्म्स जिनके साथ इग्नियस रॉक्स का एसोसिएशन मिलता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोविंसेस पूरे वर्ल्ड के इस मैप में किस तरह से होता है। तो आप देखिए अलग अलग कलर में इनको समझाने की कोशिश की गई, जो सेफ्रॉन या केसरिया कलर है उसमें सील्ड एरियाज हैं, पिंक कलर है उसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, इलायची ग्रीन है उसमें ओरोजेन है, ब्लू कलर में जो है वो बेसिन्स हैं, और ये लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस और एक्सटेंडेड क्रस्ट। तो इस तरह से ये इस वर्ल्ड के मैप में वो प्लेसेस जहाँ पर इग्नियस रॉक्स अलग अलग एरिया वाइज किस तरह से किस में बनती है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। इग्नियस रॉक्स जैसे अभी पहले मैंने बताया, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव हो सकती है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के अंदर मैग्मा पुशेस इनटू सराउंडिंग रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस, कूल स्लोली
विथ लार्जर क्रिस्टल फॉर्मेशंस, जबकि एक्सट्रूजिव रॉक्स फॉर्म्स व्हेन मैग्मा इरप्ट्स ऑन टू द अर्थ सरफेस, देन इट इज कॉल्ड एज लावा, कूल्स क्विकली विथ वेरी स्मॉल और नो क्रिस्टल फॉर्म्ड। तो ये दो तरह से एक्सट्रूजिव और इंट्रूजिव प्रकार की आग्नेय चट्टाने मिलती है। इग्नेस रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो इग्नेस रॉक्स डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स, ये कहाँ पर बनती है उस आधार पर भी इनको प्लूटोनिक, हाइपोबेसल और वॉल्केनिक रॉक्स फॉर्मेशन की डेप्थ के आधार पर, सरफेस पर और सब सरफेस पर या बहुत डीप बनती है, तो उसके आधार पर हम इन प्लूटोनिक, हाइपोबेसल और वॉल्केनिक रॉक्स के रूप में क्लासीफाई करते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स, दीज इग्नेस रॉक्स आर फाउंड एट कंसिडरेबल डेप्थ, जनरली बिटवीन 7 to 10 किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गहराई में, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट वाले पार्ट में ही, पृथ्वी की सरफेस से 7 to 10 किलोमीटर नीचे गहराई पर जब ये चट्टाने बनती हैं, आग्नेय चट्टाने, तो इन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। हाइपोबेसल रॉक्स, दीज इग्नेस रॉक्स आर फाउंड एट इंटरमीडिएट डेप्थ, जनरली अप टू 2 किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो प्लूटोनिक रॉक्स ज़्यादा डीप सीटेड होती हैं, जबकि हाइपोबेसल रॉक्स ये भी सरफेस के नीचे बनती है लेकिन सरफेस से 2 किलोमीटर नीचे की गहराई पर बनती है। और तीसरी वॉल्केनिक रॉक्स, इग्नेस रॉक्स दैट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा इरप्टेड फ्रॉम वॉल्केनोज। तो जो पहली प्लूटोनिक और हाइपोबेसल है वो मैग्मा के कूलिंग और कंसोलिडेशन से पृथ्वी की सतह के नीचे डेप्थ में बनती है, और वॉल्केनिक रॉक्स पृथ्वी की सतह पर बनती हैं, और इसके लिए जो मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर लावा में तब्दील हो जाता है, और लावा के कूलिंग और कंसोलिडेशन से जो चट्टान सरफेस पे बनती है उसे हम वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नेस रॉक्स में SiO2 की ऑक्साइड परसेंटेज लगभग 60% होती है, Al2O3 लगभग 15.5% होता है, FeO लगभग 4%, Fe2O3 3.08%, CaO लगभग 5%, MgO लगभग 3.5%, Na2O 3.84%, K2O 3.13%, H2O 1.15% और अदर्स 1.94%। ये एवरेज केमिकल कंपोजिशन एक जनरलाइज इग्नेस रॉक्स का होता है। अब अगर अपन एवरेज मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नेस रॉक्स की बात करें तो जो मिनरल्स हैं, फेल्सपार लगभग 59% कंस्टिट्यूट होता है, पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल्स 16.80%, क्वार्ट्ज 12%, बायोटाइट 3.80%, टिटेनियम 1.50%, एपेटाइट 0.6% और एसेसरी मिनरल्स 5.80%। ये एवरेज मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नेस रॉक्स माना गया है। अब अगर अपन इग्नेस रॉक्स के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करें तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है जिसे हम CIPW क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जो 4 अमेरिकन पेट्रोलॉजिस्ट थे, क्रॉस, एडिंगटन, पिटसन और वाशिंगटन, इन लोगों ने ये क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 2 कैटेगरी बताई, सेलिक मिनरल्स और फेमिक मिनरल्स। सेलिक मिनरल्स में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज, एल्बाइट, एनर्थाइट, ल्यूसाइट, नेफेलाइट, कोरंडम, जिरकन और हेलाइट, जबकि फेमिक मिनरल्स में एक्माइट, डायऑक्साइड, हाइपरस्टीन, ओलिविन, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, हेमेटाइट, पैराइट और रूटाइट। अब ये सेलिक मिनरल्स और फेमिक मिनरल्स का परसेंटेज क्या रहता है उसके आधार पर उन्होंने सेलिक ऑब्लिक फेमिक रेशियो और उसके क्लास नेम दी। इसमें उन्होंने 2 डू और पर 2 प्रीफिक्स ऐड किए। पर प्रीफिक्स जब काम में लिया, जब सेलिक या फेमिक मिनरल्स का जो रेशियो है उसमें डोमिनेंस मान लीजिए हाई लेवल पर है, और डू प्रीफिक्स जब काम में लिया जब इनका जो रेशियो है वो मॉडरेट लेवल पर है। तो इस तरह से उन्होंने ये 5 कैटेगरी बताई। अगर सेलिक फेमिक रेशियो मोर देन 7 है तो उसे पर सेलिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेलिक मिनरल्स के साथ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, और पर प्रीफिक्स का मतलब है कि इसमें
नॉर्मेटिव जो ग्रुप मिनरल्स हैं उनकी डोमिनेटिंग हाई है, यानी जो सेलिक मिनरल्स हैं उनकी हाई है। डू सेलिक इसमें सेलिक मिनरल्स की डोमिनेंस मॉडरेट लेवल पर है, तो इसे हमने डू सेलिक नाम दिया। और इसमें सेलिक फेमिक रेशियो 7 से लेकर 1.66। उसके बाद सेलिक और फेमिक जब दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो कोई प्रीफिक्स नहीं लगता और उनका नाम दिया सेलफेमिक। इसमें रेशियो जो है 1.66 से लेकर 0.14। फिर नेक्स्ट कैटेगरी डू फेमिक, इसमें डू फेमिक का मतलब ये हुआ फेमिक की जो नॉर्मेटिव मिनरल्स है उनकी डोमिनेंस मॉडरेट लेवल पर है, तो 0.66 से लेकर 0.14। और जो लास्ट कैटेगरी है वो परफेमिक, इसमें यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फिर फेमिक मिनरल्स की जो डोमिनेंस है नॉर्मेटिव मिनरल्स की वो हाई लेवल पर है, तो इसमें इनका रेशियो जो है less than 0.14%। ये CIPW का क्लासिफिकेशन प्रचलन में है। अब मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें फेल्सिक मिनरल्स और मेफिक मिनरल्स दो प्रकार के मिनरल्स की कैटेगरी करी गई। फेल्सिक मिनरल्स में दोज मिनरल्स विच आर लाइट इन कलर एंड लोअर इन डेंसिटी एंड इंक्लूड क्वार्ट्ज, फेल्सपार, फेस्पेथोराइट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, जबकि मेफिक मिनरल्स दे आर डार्क इन कलर एंड कंपेरेटिवली हैवियर इन डेंसिटी एंड कंटेन फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स सच एज एम्फीबोल्स, पायरोक्सिन्स, माइकास, ओलिविन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एट्सेट्रा। तो इनके आधार पर मिनरल्स के जो कलर होते हैं उन कलर्स को ऑब्जर्व करते हुए 3 प्रकार की कैटेगरियाँ बनाई गई, ल्यूकोक्रेटिक, मिजोक्रेटिक और मिलेनोक्रेटिक। जब कलर इंडेक्स 1 to 30 होता है तो उसको ल्यूकोक्रेटिक बोलते हैं, उसका उदाहरण ग्रेनाइट। मिजोक्रेटिक जब कलर इंडेक्स 31 to 60 होता है तो उसका उदाहरण गैब्रो। और मिलेनोक्रेटिक जब कलर इंडेक्स जो चट्टान है उसके अंदर अगर कलर इंडेक्स 61 to 100% है तो उसका 100 तक है तो उसको हम मिलेनोक्रेटिक बोलते हैं और उसका उदाहरण है पेरिडोटाइट। अब इग्नेस रॉक्स को जैसे अभी अपने फेल्सिक मिनरल और मेफिक मिनरल्स के आधार पर कहा, तो फेल्सिक जो चट्टानें होती है दे आर लाइट इन कलर्ड एंड आर रिच इन एलिमेंट्स सच एज एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सिलिकॉन एंड सोडियम, वेयर एज मेफिक रॉक्स आर डार्क इन कलर एंड देट आर रिच इन कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड पुअर इन सिलिकॉन। इसके अलावा ग्रेन साइज के आधार पर चट्टानों को कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन कहते हैं, तो कोर्स ग्रेन रॉक्स टेक्स लॉन्गर टू कूल गिविंग मिनरल क्रिस्टल्स मोर टाइम टू ग्रो, वेयर एज फाइन ग्रेन रॉक्स कूल्स क्विकली विथ लिटल टू नो क्रिस्टल्स। अब ये इग्नस रॉक्स के उदाहरण में कोर्स ग्रेन कूल्ड स्लोली और अंडरग्राउंड बनती है, जबकि फाइन ग्रेन रॉक कूल्ड क्विकली और एट सरफेस बनती है। तो इनके दोनों के अगर फेल्सिक में अगर अपन इनकी बात करेंगे तो कोर्स ग्रेन में उदाहरण है ग्रेनाइट, और मेफिक रॉक्स में अगर बात करेंगे तो उदाहरण है गैब्रो। इसी तरह से फाइन ग्रेन में अगर फेल्सिक की बात करेंगे तो उदाहरण है रायोलाइट, और मेफिक में अगर डार्क कलर की चट्टान जो फाइन ग्रेन है तो उसका उदाहरण है बेसाल्ट। ये टेबुलर क्लासिफिकेशन है। इस टेबुलर क्लासिफिकेशन में तीनों प्रकार की चट्टानें आप यहाँ देखिए, सबसे ऊपर प्लूटोनिक, उसके बाद हाइपोबेसल और उसके नीचे वोल्केनिक। इन तीनों को डेप्थ वाइज फॉर्मेशन के आधार पर बताया गया है और इनका नामकरण क्रमशः फेनेराइट्स, पोर्फिराइट्स और एफेनाइट्स इस तरह से इनका किया जाता है। और इनमें क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज फेल्सपार, फेल्सपार और फेल्सपेथोइड्स, इनके आधार पर इनका हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है ये इस टेबुलर क्लासिफिकेशन में बताया गया है। तो ये दिस इज व्हाट एन इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन अबाउट इग्नेस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों के बारे में ये एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में समझाने की कोशिश की।